ओके, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का पार्ट 5 कर रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं डायनामिक्स के कुछ रिजल्ट्स के साथ। देखिए, डायनामिक में फर्स्ट जो है वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, वी से डिनोट करते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एस बाई डी टी। एंड एक्सेलरेशन ए या एफ के साथ हमने यहाँ पे एफ के साथ डिनोट किया, और दैट इज़ डी वी बाई डी टी, दैट इज़ डी वी अपॉन डी टी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। नाउ फॉर द रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन के लिए ये हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू एफ टी स्केयर। ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ये वेलोसिटी निकालने के लिए, और ये वेलोसिटी और इसमें रिलेशन होता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर टू एफ एस। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एथ सेकेंड जो होता है यू इज इक्वल टू वन बाई टू, टू एन माइनस वन इंटू एफ के इक्वल होता है। ये हमारे पास चार इक्वेशन है, इनको आपने लर्न करना है। उसके बाद है कि अगर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी निकालना है, तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये चेंज हो जाती है ग्रेविटी में, एफ चेंज टू जी, और जो डिस्टेंस है वो दैट चेंज टू हाइट। ठीक है जी, क्योंकि रेक्टिलीनियर मतलब लीनियर में ये डिस्टेंस हो जाएगा, और जब अंडर ग्रेविटी होगा तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इस तरह से हाइट फाइंड आउट करनी है हमने। सो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये सारी इक्वेशन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्केयर, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू जी एच, और इन द एनथ एस यू इज इक्वल टू वन बाई टू जी एन माइनस वन। और अगर बॉडीज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड करेंगे तो अंगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सो जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव जी आएगी, माइनस सी आएगी। सो वी इज इक्वल टू माइनस जी टी यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्केयर, सारे इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और इसी केस में कि जब हमारे पास रिटार्डेशन होता है, तब हमारे पास व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, यू स्केयर अपॉन टू जी। इसलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा टू यू अपॉन जी, यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग ये यू अपॉन जी के इक्वल, अकेला भी पूछ लेते हैं और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारे से पूछ लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कुछ रिजल्ट थे। अभी हम प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं कि कोई भी बॉडी जब इस तरह से फेंकी जाती है, ठीक है, थ्रोन की जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ लेती है, दैट पाथ इज पैराबोला, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, द बॉडी सो प्रोजेक्टेड, जिस तरह से ये बॉडी फेंकी गई, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सो इसमें जो पाथ बनता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन टू यू स्केयर कॉस अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, रेंज ऑफ फ्लाइट दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है यू स्केयर साइन टू अल्फा अपॉन जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये कब बनती है, जब अल्फा पाई बाई फोर के इक्वल आएगा। ठीक है, अल्फा पाई बाई फोर ये टू कट जाए, साइन 91 हो गया, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बन गई, यू स्केयर अपॉन जी, ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड, ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन टू जी, टाइम टेकन टू रीच ग्रेटेस्ट हाइट यू साइन अल्फा अपॉन जी। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे जो हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस भी हैं, ठीक है, सो वो भी यूज़ होते हैं। इसमें सेकेंड लॉ मेन इम्पॉर्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला। ठीक है, सो अभी इसके करते हैं एमसीक्यूज। देखिए,
If the particle is moves with the uniform acceleration, then the distance traveled by it in consecutive seconds are in. Particle moves with the uniform acceleration, distance traveled. So हमें पता है कि nth जो distance होता है u plus 1 by 2, 2n minus 1 into f. यही होता है u plus 1 by 2, 2n minus 1 into f. So distance traveled इन एन सेकेंड हमारे पास आ गया कंजक्टिव सेकेंड. अगर फर्स्ट सेकेंड में हमारे पास u प्लस 1 बाई टू 2 माइनस 1 1 एफ आ जाएगा, ठीक है जी. और सेकेंड सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड u प्लस 1 बाई टू 2 टू या 4 एन की जगह 2 भर दो, 4 माइनस 1 3 सीधा लिखते हैं 3 बाई टू एफ. थर्ड में 5f by 2 आ जाएगा. अब इनको सब्ट्रैक्ट करा के देख लेते हैं आपस में. अगर इनको सब्ट्रैक्ट करा के देखें तो ये u के साथ 0 के साथ u कट जाएगा, 0 आ जाएगा. 3 by 2 minus 1 by 2 कितना आता है, 2 by 2 यानी कि 1, साथ में f भी है, f आ गया. और 5 by 2 minus 3 by 2 करते हैं तो 5 बाई टू माइनस 3 बाई टू करते हैं तब भी हमारे पास 2 बाई टू इंटू एफ एफ ही आ गया. इट मीन्स ये क्या फॉर्म होती है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो ए पी है. यहाँ कॉमन डिफरेंस ही सेम, सो ये हमारे पास क्या बन गई, ए पी सीरीज. क्या बन गई, ए पी सीरीज. कि अगर पार्टिकल मूव्स करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन कंजक्टिव सेकेंड्स आर इन AP. फिर से क्वेश्चन वैसा ही है. इफ द पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल 7.25 सेंटीमीटर एंड 9.25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इन द फिफ्थ एंड नाइन्थ सेकेंड देन इट्स एक्सेलरेशन है. तो f की वैल्यू हमने निकालनी है, हमें पता है ये फॉर्मूला है, ठीक है जी. फिफ्थ सेकेंड पे ये 7.25 है और u 5 टू या 10 10 माइनस 1 9 9 एफ बाई टू ये बन गई एक इक्वेशन. दूसरा 9.25 है 9 सेकंड पे s 9 9 टू या 18 18 माइनस 1 17 बाई टू ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग कर दें 2 माइनस 1, ठीक है जी. कितना आया 9, ये 2 आ जाएगा 0. और 17 बाई 2 माइनस 9 बाई 2 साथ में f आ जाएगा, 8 बाई 2 f 2 4 और ये बन जाएगा 2 बाई 4 1 बाई 2 एफ. एफ की वैल्यू 1 बाई 2. बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. देख लें इसको बड़े ध्यान से, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. ट्रेन इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर is stopped in 2:1/2 minute. The distance it travels while the brakes is on is equal to. Distance travel हमने निकालना है जब इस पर ब्रेक अप्लाई होती है. सो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आ रहा है. भाई ये 36 किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो आंसर हमारा मीटर में है. सो हमारा क्या काम है, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया जाए. किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है जी. 36,000 और 10 16 to 60, तो 10 आ जाएगा मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है जी. और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है
इसको ब्रेक कर लें, 2:1/2 मिनट, सो 5/2 मिनट, 5/2 मिनट को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, वन फिफ्टी सेकेंड्स आ गए। ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई किया तो ज़ीरो आ गई। V इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एफ कितना है निकालना है, टाइम कितना 150। सो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -1/15, -1/15 आ गई जी एफ। एफ मतलब रिटार्ड, ब्रेक लगाई तो वो क्या बन गई, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन तो बनी है। और हमारे पास एस इज इक्वल टू डिस्टेंस निकालने का, यू प्लस 1/2 एफ टी स्केयर, एफ टी स्केयर। ठीक है, यू कितना है 10, टी कितना है 150, -1/2 15, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास 150 × 150। ठीक है जी, यही आएगा। ये आ जाएगा, अलग क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन एक्चुअली बीच में कवर होते हैं इसमें। ठीक है, कि ब्रेक अप्लाई करने पे, कि मैक्सिमम तो यहाँ तक ही पूछेगा, रिटार्डेशन तक, कितनी इसकी रिटार्डेशन आएगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछ लेता है तो ये 750 भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, इट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट आफ्टर। तो भाई जब मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, यहाँ से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ आके वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। V इज इक्वल टू यू माइनस, जो ग्रेविटी होगी वो अंगेज लग रही है, तो ये बन जाएगा फार्मूला, V इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, कितनी 98, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दे रखी है 9.8, टाइम हमने निकालना है। सो टी क्या है 98/9.8, सो 10 सेकेंड स्केयर के साथ, सेकेंड के 10 सेकेंड्स आ जाएगा इसका आंसर, कि ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, इट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल से समय लग रहा होगा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट विल रिटर्न टू दिस पोजीशन आफ्टर, मतलब ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ गया, यानी कि हमने क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, 2u/g निकालना, बस इतना सा काम है। वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 × 490, जी हमारे लिए पंगा है, पंगा क्या है, क्योंकि जी तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर दे रखा है, पर ये तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हमारे पास जी क्या होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बस ये चीज लर्न कर लें। ठीक है जी, 980 ये कट जाएगा, ये 1 सेकेंड्स आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी।
थैंक यू वेरी मच।